ये दोस्तों किचन का हम सुबह वेस्ट लेके आते हैं, तो आके चीज़ों को डालते हैं, देखें कैसे यानी कि ये शौक शौक में खाते हैं, जिसके अंदर यानी कि सारी चीज़ें किचन की मिक्स होती हैं, तरबूज के छिलके, खरबूजे के छिलके, कद्दू के छिलके, प्याज के छिलके, ये सारी चीज़ें यानी कि मिक्स होती हैं, इनके लिए हम सुबह लेके आते हैं, सारा खुशी खुशी से खाते हैं। ये देखें जी कैसे यानी कि आपको 10 मिनट के अंदर सारा यानी कि सफाया करके ये दे देंगे, देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारा अभी पीरू वगैरह, पीरू में सबसे ज़्यादा जो खाने वाला परिंदा है ना वो ये पीरू है, बाकी तकरीबन ये जो छोटे हमारे ये चुचू-मुचू गैंग है सारे यानी कि अभी आपको फ्राई करके दे देंगे, देख रहे हैं। अभी दूसरे चूज़ों को अभी नहीं पता चला, बाकी अभी सारे उस साइड पे, कुछ की साइड पे गए हुए सारे अभी आ जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 से प्लस चूज़े वगैरह मिक्स हैं, ये खा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज हम आपको दिखाते हैं हमारी ये डब वगैरह ने अंडे वगैरह दिए थे, तो ये देखें माशाल्लाह 4 अंडे दिए थे अभी तक, इन्होंने कोई बच्चा वगैरह नहीं निकाला, एक अंडा हल्का सा ना टूटा हुआ है, मेरे ख्याल में इसमें कोई बच्चा वगैरह है, ये जैसे भी है, ये देखें 4 अंडे इसने दिए थे, देखें कैसे मार रही है, ये देख रहे हैं कैसे मारती है ये। और दूसरी ये भी अंडा देने वाली है, मेरे ख्याल में ये भी अंडा देने वाली है, और ये ऊपर उस साइड पे बैठे हैं वो भी मादा है, अगर ये इनके ऊपर बैठा देते हैं तो इन देखते हैं इनके ऊपर इनक्यूबेट करती है नहीं करती। और दूसरा हमारी एक डब नीचे बैठी हुई है, नीचे भी वो अंडा दे के उसके ऊपर बैठी हुई है, ये देखें जी इसके नीचे भी 2 अंडे, मेरा हाथ नहीं जा रहा वरना मैं आपको वहीं से करीब से दिखा देता। और दूसरा यानी कि ये जो बच्चे माशाल्लाह ये देखें बच्चे हमारे कितने बड़े बड़े हो गए, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, ये देखें उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उड़ा नहीं जा रहा है इसके पास, उड़ गया और बैठ गया और नीचे गिर गया, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसलिए यानी कि नीचे गिर जाते हैं। और इस साइड पे देखें हमारी बटेरा गैंग कैसे खुशी खुशी से ये खा रहे हैं, देख रहे हैं इनको, इनके लिए हम ये 3 प्लेट सुबह फर्स्ट टाइम फुल करके रखते हैं, 1 प्लेट सुबह फर्स्ट टाइम, 1 सेकंड टाइम, 1 थर्ड टाइम यानी कि से पिछले टाइम में यानी कि करते हैं, ये 3 प्लेट माशाल्लाह हमारे पास से ये खा जाते हैं, हैं तो ये फार्मी खाने के यानी कि ये ऐसे हैं, इसमें से तकरीबन कोई 3-4 चूज़े ऐसे हो चुके हैं जो ये देखें, जैसे ये चूज़ है ये भी अभी फुल तो नहीं हुआ, इसको भी अली 15 दिन दे रहा है, जिस खुराक हम दे रहे हैं ना इसको देसी खुराक दे रहे हैं, फीड वगैरह नहीं दे रहे, उस खुराक के साथ इनको तकरीबन कोई 15 से 20 दिन दे रहे हैं, 20 दिन के बाद हम इनमें से हाफ़ को यानी कि 1 मरतबा काट देंगे, उसके बाद हाफ़ को अगली मरतबा काट देंगे, तो जब हाफ़ काटेंगे उसकी जगह हम दूसरे चूज़े ले आएँगे, दूसरे चूज़ों को यहाँ पर इनकी जगह यानी कि छोड़ देंगे। ये दोस्तों हमारे जो पीरनी के अंडे थे हमने यहाँ पे इनके नीचे रख दिए थे, इसके बड़े वाले डक्स के नीचे रख दिए थे, लेकिन इसमें से ना 2 अंडे इसने हमारे बच्चे मार दिए, वो पाँव के नीचे आए, एक ये बच्चा मर गया, एक अंडे से निकले तो वो फौरी मर गया, ये पता नहीं कैसे मर गया, ये रात जब इसको मैं देख के गया था ना ये हल्का हल्का सा ना यानी कि बाहर निकल रहा था, चीं चीं इसने लगाई हुई थी, लेकिन अब मैं सुबह आके देखा तो ये मर गया, एक ये वाला देखो ये भी ऐसे ही है, ये भी बेचारा मर गया, ये भी इसके मेरे ख्याल में जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है ना ये इसके पाँव के नीचे आया था जिसकी वजह से ये मरा है, तो बाकी एक अंडे इसके नीचे भी पड़ा हुआ, अल्लाह करेगा ये भी कल तक यानी कि निकल जाएगा, दो अंडे बचे हुए हैं, ये 2 अंडे इसके बचे ही हुए हैं, अल्लाह करेगा ये भी शाम तक या कल तक ये इसमें से निकल आएंगे, 2 बच्चे तो हमारे मर गए, बाकी 2 बच्चे यहाँ से उठा के ना मैं उसके नीचे रख के आया हूँ, इसकी माँ के नीचे रख के आया हूँ। दोस्तों पीरू ने जो बच्चे निकाले हैं ना 2 बच्चे उठा के मैं अंदर से लेके आया हूँ, एक मैंने इसके आगे ये रख दिया और दूसरा वो रख दिया, ताकि ये अपनी माँ के साथ रहेंगे ना तो ये इसकी हिफाजत करेगी, बाकी जो उसके दूसरे हैं ना तो वो बड़े वाले डक्स वो हिफाजत नहीं करती इनके, तो ये अब हमारे पास 1, 2, 4, 6 और 2 अंडे अंदर पड़े हुए हैं, 8 हैं, तो हमारे पास तकरीबन 10 अंडे थे जिसमें से 2 बच्चे तो अब मर चुके हैं आपको दिखाए हैं, बाकी अब हमारे पास 6 यहाँ पे हैं और बाकी तकरीबन जो 2 हैं वो 2 अभी अंदर पड़े हुए हैं, देखो 1-2 दिन के अंदर जब निकालेंगे देखा जाएगा, इधर ये बड़े वाले डग्स ने इसने जलील अखबार किया होगा, ये नहीं भाई छोड़ते। दोस्तों इस जगह आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारे ये है ना ब्लैक बेरी डग्स उसके बच्चे देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये नहाते हुए आपको, ये देखें जी अब मैं पास गया हूँ तो वो बाहर निकल के माँ के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चले गए हैं सारे, 1 बच गया, ये भी अभी चला जाएगा, ये देखें उसके पास ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा बल्कि चढ़ गया,
वो चढ़ गया। एक बच्चा हुआ, ये हमारे पास मुर्गा भी का बच्चा है, तो ये इसके साथ के 6 थे, ये भी सारे यानी कि बस चले गए हैं, तो अब एक बच्चा हुआ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो 9 हैं, 2, 4, 6, 8 पता नहीं 9 हैं पता नहीं 8, ऐसा गिनती तो नहीं हो रही। इतनी प्यारी लग रही है, आगे आगे माँ है, पीछे बच्चे हैं, और सारे यानी कि हंसते खेलते हुए यानी कि फिर रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। ये दोस्तों, हम अपने इलाके की छोटी सी नर्सरी में आए हुए हैं, यहाँ से कुछ पौधे वगैरह ख़रीद करने थे, देख रहे हैं कि तो क्या क्या यहाँ से ख़रीद करें, लेकिन इतना ज़्यादा माल तो यहाँ नहीं है, लोकल ही पौधे वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देखें जी, ये है भी छोटी सी नर्सरी, इतनी ख़ास नहीं है। यहाँ पर हमें पसंद आई है, एक यहाँ पर हमें लीची पसंद आई है, और एक लो काट पसंद आया है, और क्या मिलता है इसके अलावा, और चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे, कुछ और हमें पसंद आ जाए तो। लेकिन लीची और लोकाट, ये हमें दो चीज़ें यहाँ पे पसंद आई है, ख़रीद करते हैं, देखते हैं आगे। ये देखें जी, ये इस साइड पे माशाल्लाह इनके ये वो वाला फूल है, मौसमी, मेरे ख्याल में मौसमी फूल है ये। हाँ जी, ये मौसमी फूल है, और ये माल्टा है, माल्टे की टहनी तो अच्छी खासी है, लेकिन अब ग्रोथ भी हो रही है, देखता हूँ अगर सही रेट पे दिया तो मिल जाए, ले लेते हैं ये भी। ये काली मिर्च वगैरह हैं, ये वो है जापानी फल है, हाँ जापानी फल है, हमारे जापानी फल में दोस्तों फूल वहाँ पे फल आया था, वो बच्चों ने तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे देखें जापानी फल ठहरा हुआ है, अच्छा खासा जापानी फल है। ये दोस्तों पौधे में अपने ले आया था, फ़िलहाल आर्जी तौर पे ऊपर रखे हैं, ये देखें जी ऊपर रख दिए हैं, इसलिए ऊपर रखे हैं कि अभी हमारे पास ना अभी माली आया हुआ है, ना ही बोने की कोई इतनी ख़ास कहीं पे जगह है, ले तो लिया था शॉप शॉप में हमने, तो बोने का हमारा इरादा ये है कि एक इस जगह पर लगा दें, कि साइड पर जैसे ये लाइन ऐसे आ रही है ना, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे जैसे ये लाइन ऐसे जा रही है पौधों की, तो अगली साइड पे भी यानी कि 2-3 पौधे इसके अगली साइड पे यहाँ पे लग जाएंगे, तो जिसमें ये है कि हमारे तरतीब के साथ 4-5 मज़ीद पौधे लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम सुबह लगाएंगे। यहाँ पे देखें पीरो को खोल दिया, सेकंड टाइम था खोल के मैंने, बाहर मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है, चलिए थोड़ा हवा वगैरह निकले लगेगी ना इनको, ये सही हो जाएंगे। ये दोस्तों जब से हमने ये बड़े वाली ढक्स ली है ना, ये बस वहीं पे गेट में ठहरती हैं, वहाँ पे ठहरी रहती हैं, जब से कोई यानी कि कोई बंदा या बच्चा वगैरह आता है तो उसको सिर्फ ये फाड़ते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हमारे मिनी जू के अंदर बहुत कम फिर रही होती हैं। और दूसरा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे ना हमारी ये एक खुरली वगैरह खड़ी थी, जिसके अंदर ना ये थे, ये यहाँ पे ना हम इसके अंदर घास वगैरह डालते थे अपने जानवर वगैरह को, मैंने इनको यहाँ से पड़वा के इनको उस साइड पर डलवा दिए, इन लोगों को ना मजदूर भाई हमारा सुबह से लगा हुआ था, तो ईंटें वगैरह मैंने पड़वा के उस साइड पर डाल दिए, कल मिस्त्री साहब आएंगे वहाँ पर, जो 2-4 केज वगैरह, 1-2 केज हमने बनवाने हैं, 1 केज वहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, 3 केज बनवाने हैं, वो इंशाल्लाह कल मिस्त्री आएगा तो कल केजेस का काम शुरू कराते हैं। हमारे जो रैबिट हाउस हैं, रैबिट हाउस वहाँ पे हमने बनाना है, इसके अलावा पिजन हाउस वहाँ पे बनाने हैं, तो इसके अलावा तकरीबन 1-2 हमारा मज़ीद यानी कि केज वगैरह बनेगा, 3 केज बनाने का हमारा इरादा है। तो आप दोस्त हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं कल आपको न्यू वीडियो में, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त।